आज किचन में हूँ तो वेलकम टू माई किचन। मैं हूँ मनीषा। आज मैं आपको एक बहुत हेल्दी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी क्योंकि आज स्पेशल डे है, वुमेन्स डे है और हम अपने सब्सक्राइबर और व्यूवर्स के लिए, स्पेशली वुमेन्स के लिए मैं ये रेसिपी शेयर करूंगी क्योंकि वुमेन्स को हमेशा अपनी हेल्थ के लिए और ये बिल्कुल टाइम नहीं मिलता क्योंकि हम सभी लोग ज्यादातर अपनी फैमिली के लिए काम करती हैं और जो भी टाइम बचता है तो उसमें फिर हम फैमिली के बारे में सोचने लगते हैं। अपने बारे में सोचने के लिए उतना मौका नहीं लगता है लेकिन हमारी हेल्थ बहुत आवश्यक है और इसके साथ साथ फिर हम अपनी फैमिली का भी ख्याल रख सकते हैं। तो आज मैं बहुत हेल्दी और टेस्टी रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ जो कि हमारी हेल्थ को तो अच्छा बनाएगा, हमारे टेस्ट को भी अच्छा रखेगा। तो चलिए हम जानते हैं कि आप वो कौन सी रेसिपी है। तो दोस्तों, इसके पहले जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था तो ये रेसिपी मैंने शेयर करी थी, लोगों को काफी पसंद भी आई थी और स्पेशली मैंने बच्चों के लिए बनाई थी क्योंकि बच्चे मैं बता दूं आपको, आज मैं आपको बीट रूट का जैम कैसे घर पे बनाएं वो तरीका बताऊंगी। और बहुत ही क्विक रेसिपी है, बहुत ही हेल्दी है। बीट रूट के बहुत सारे डिशेज हैं जो मैंने अपने चैनल पे शेयर किया है, आप चाहे ब्यूटी प्रोडक्ट में यूज करना चाहते हैं या फिर बीट रूट का पाउडर बना के अपने जो हमारे जो सब्जियों का कलर आता है उसके लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, हेयर कलर बनाना चाहते हैं, फेस पैक, यानी बीट रूट की बहुत सारी रेसिपी हमने शेयर करी है ऑलरेडी। लेकिन ये वुमेन्स डे स्पेशल है इसलिए हम अपनी बहनों के लिए ये शेयर करना चाहते हैं जिससे आपको पता चले और आप इस तरह अपने घर में बना के रखें और इसका सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करें। दोस्तों, बीट रूट का जो जूस होता है या फिर सैलड में खाने के लिए उतना ज्यादा टेस्टी नहीं लगता है क्योंकि उसका जो स्वाद होता है थोड़ा सा कड़वापन कसैला लिया होता है। अगर आप एक कप जूस भी पी लेते हैं तो थोड़ी देर वोमिटिंग आने लगती है, उतना हेल्दी तो होता ही है, ब्लड को बहुत जल्दी वो बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है लेकिन इतना ज्यादा अपने लिए स्पेशली हम समय नहीं निकाल पाते हैं कि अब हम अपने लिए जूस बनाए पिए। किसी और के लिए बनाना हो तो हम महिलाएं बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं लेकिन अपने हेल्थ का ध्यान देने के लिए हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है। तो ये हमने ऐसा ध्यान में रखते हुए ये रेसिपी बार ट्राई जरूर करिएगा, बहुत ही टेस्टी है और बहुत क्विक रेसिपी है। तो चलिए फटाफट हम इंग्रीडियंट्स देख लेते हैं और कैसे इसको बनाना है वो भी देख लेते हैं। दोस्तों, हमारी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि हमारे चैनल पे आपको हर तरीके की जानकारी मिलती रहेगी अलग अलग तरीके की। आप चाहे किचन से संबंधित हो, कोई रेसिपी बनाना हो, हमारे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारी रेसिपीज हैं, मैंने करीब 100 वीडियो रेसिपी के डाले हैं। उसके बाद ब्यूटी प्रोडक्ट के हो, क्लीनिंग के हो, मतलब किसी भी तरह से आप सोच सकते हो वो मैंने भरपूर कोशिश करी है आपको देने के लिए। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नई नई वीडियोस देखने के लिए। चलिए हम शुरू करते हैं जैम बनाना। इसके लिए हमें बीट रूट चाहिए 1 kg और लेमन चाहिए और जिंजर चाहिए और इसमें डालने के लिए शुगर चाहिए। ये सारी चीज़ें आपने इकट्ठी कर लेनी है और हमें अपना जो चुकंदर है बीट रूट ग्रेट कर लेना है और एक पैन लेना है, ये हमने ले लिया है। और इसे आपको धीमी आँच पर, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, और तुरंत आपको अपना जो ग्रेट किया हुआ बीट रूट है उसे ऐड कर देना है, यानी डाल देना है और आपको इसे धीरे से मिक्स कर देना है। और आंच को बिल्कुल आप फ्लेम स्लो रखिए और इसे हम मिक्स करते हुए ढक के करीब 10 से 15 मिनट पकाएंगे जिससे बीट रूट हमारा बिल्कुल पक जाए। ये देखिए, थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम हो गई है दोस्तों, ये आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा लेकिन ये आँच स्लो होने के कारण बीट रूट बिल्कुल धीमी आंच में पक रहा है। अब इसे गलने तक हमें पकाना होगा। यहाँ पे लाइट प्रॉपर हो गई है और हम इसे बीच में कट कर लेंगे। इसे आपको अकेला नहीं छोड़ना है, नहीं तो हमारा जो जैम है वो नीचे कढ़ाई में लग भी सकता है। और इसे आपको बीच बीच में चलाते रहना है। अब हम चेक करते हैं कि हमारा जो बीट रूट है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से पक गया है कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल पक गया है, इसे हमने चेक कर लिया। फिर वापस मिला देते हैं और अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। तो 500 ग्राम हमारा चीनी है, 1 kg बीट रूट है, चुकंदर और आधा किलो हमने इसमें चीनी डाला है। 1 kg से थोड़ा सा, एक दो पीस ज़्यादा ही था मेरा बीट रूट। और इसमें हम डालेंगे ग्रेट किया हुआ जिंजर, और जिंजर भी 2 से 2.5 इंच का टुकड़ा था, उसे हमने ग्रेट कर लिया था। और सारी चीज़ें अब हम आपस में मिक्स कर देंगे। आँच को बिल्कुल अभी स्लो रखना है, जब तक शुगर मेल्ट हो आपको स्लो आँच पे काम करना है। और अच्छी तरीके से आपको ये जो हमारा चुकंदर ग्रेट किया हुआ और चीनी
मिक्स करना है और उसे ढक के चीनी मेल्ट होने तक हमें पकाना है। पहले ढक के अच्छी तरीके से जब मिक्स हो जाएगा तो अभी देखिएगा पानी जो शुगर का चाशनी तैयार होगी वो बिल्कुल, ये देखिए हमने इसे ढक दिया था, अब बिल्कुल हमारा जो शुगर मेल्ट हो गया है, ये देखिए कितना आपको बिल्कुल मेल्ट शुगर दिख रहा है। और बिल्कुल अच्छी तरीके से बीच बीच में बिल्कुल चलाते रहना है, आपको छोड़ना नहीं है। अब हम इसमें डालेंगे लेमन जूस। जैसे ही शुगर मेल्ट हो जाती है आपको लेमन जूस ऐड कर देना है, और हमने यहाँ पे 4 लेमन का यूज़ किया है। और ये देख लीजिए आप क्या होता है कि लेमन का जूस ऐड करने से जो हमारी शुगर होती है वो जमती नहीं है, और बाद में भी जब हमारा जैम रेडी हो जाता है तो उसका टेस्ट और जो टेक्सचर होता है बहुत ही सॉफ्ट रहता है। इस वजह से आपको जैसे ही आपकी शुगर मेल्ट हो जाए आपने उसमें लेमन जूस ज़रूर ऐड करना है, और जिंजर आपको टेस्ट के लिए ऐड करना है। बहुत ही टेस्टी जैम बन के तैयार होता है, और आपको इसे बीच बीच में इस तरह अब आँच आपको बिल्कुल फुल कर देनी है, तेज आँच पर इसे पकाना है। ये देखिए अभी बिल्कुल हमारा जैम रेडी नहीं है क्योंकि इसके तार से आपको लग रहा होगा, इसे हम बीच बीच में देखिए चला रहे हैं और ये ड्राई होता जा रहा है। अब हम इसे बिल्कुल चेक करके आपको दिखाएंगे एक बाउल में, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। ये देखिए अभी ये बिल्कुल भाग रहा है, यानी इसका जो चाशनी है इधर से उधर, तो अभी वापस इसको पकाना है। लेकिन अब ज़्यादा देर समय नहीं लगेगा, करीब 5 मिनट के अंदर हमारा ये जैम बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये चलाते हुए आप देख सकते हैं ये जैम हमारा बिल्कुल रेडी है।